वार्ड 71 में जो वहाँ के उद्यानों के सौंदर्यकरण और उनके रिपेयर के लिए एक अभियान चला रखा है। उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी के विधायक कोष से स्वीकृत 10 लाख रुपए की लागत से वीर उद्यान में होगा सौंदर्यकरण। वीर उद्यान की चार दीवारी का प्लास्टर, पाथवे व टीन शेड लगाने के कार्य का विधिवत किया गया शिलान्यास। उत्तर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 71 में वीर उद्यान की चार दीवारी का प्लास्टर, पाथवे निर्माण, GI टीन शेड लगाने के साथ ही बच्चों के लिए झूले व अन्य उपकरण लगाने हेतु उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी के विधायक कोष से 10 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। मंगलवार को वीर उद्यान में विधिवत पूजा अर्चना के साथ विकास कार्यों का शुभारंभ स्थानीय पार्षद रमेश सोनी व अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं व स्थानीय नागरिकों की उपस्थिति में किया गया। इस मौके पर विधायक वासुदेव देवनानी ने बताया कि अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में अनवरत विकास कार्य जारी है। इसी कड़ी में जहां उत्तर विधानसभा क्षेत्र के अंदर 16 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, तो वहीं उद्यानों का रखरखाव व सौंदर्यीकरण भी कराया जा रहा है। आज भी उद्यान में 10 लाख रुपए की लागत से सौंदर्यीकरण के कार्य का शुभारंभ किया गया है। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस के पूर्व विधायक डॉक्टर श्री गोपाल बाहेती और महेंद्र सिंह रालावता द्वारा अखबारों में दिए गए बयान की निंदा करते हुए कहा कि जब प्रदेश में कांग्रेस सरकार है तो पैसा भी कांग्रेस सरकार ही लगाएगी, लेकिन अनुशंसा जिसने की है उसको कैसे नकारा जा सकता है। उन्होंने बताया कि उनके पास अनुशंसा का पत्र भी है जिस पर कांग्रेस सरकार ने यह पैसा स्वीकृत किया है, जिससे फायसागर रोड की सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। उन्होंने 11 जनवरी को विधिवत इस सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया था, जिसका शिलान्यास पट्टिका भी लगी हुई है। कांग्रेस सरकार और उनके नेता पानी बिजली सहित कानून व्यवस्था पर ध्यान दें, फालतू की बयानबाजी कर जनता को भ्रमित ना करें, उनकी मंशा पूरी होने वाली नहीं है। आज वार्ड 71 में जो वहाँ के उद्यानों के सौंदर्यीकरण और उनके रिपेयर के लिए जो एक अभियान चला रखा है, उसके तहत आज वीर उद्यान में वहाँ पे पाथवे पूरा व्यवस्थित और चौड़ा बने, साथ में बरसात आ जाए तो बुज़ुर्ग लोग कहाँ खड़े रहें, उसे टिन शेड बनाने और बाकी वहाँ पर उसके सौंदर्यीकरण के लिए 10 लाख रुपए की लागत से आज वहाँ उसका शिलान्यास किया है। आगामी कुछ दिनों में उसका शिलान्यास हो जाएगा और साथ में बच्चों के खेलकूद के लिए भी वहाँ जो उपकरण लगने होंगे उसके भी लगाए जाएंगे, क्योंकि विकास एक निरंतर प्रक्रिया है और गत एक वर्ष वित्तीय वर्ष में लगभग 16 करोड़ रुपए की सड़कें मैंने बनवाई हैं और इस वित्तीय वर्ष में 20 करोड़ से अधिक की सड़कें मैं बनवाऊंगा। हालांकि इस बढ़ते हुए सड़क निर्माण से मेरे कुछ कांग्रेसी प्रतिद्वंदियों और नेताओं में हड़कंप मच गया है और उनकी शायद लगता है गले नहीं उतर रही है, इसलिए वो झूठे वाहवाही लेने के अखबारबाजी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। एक ने कहा कि फायसागर रोड राजस्थान सरकार बना रही है। अरे पैसा तो जिसकी सरकार होगी पैसा तो उसका ये विधायक कोष भी सरकारी देती है, लेकिन किसकी अनुशंसा पे बन रहा है जनप्रतिनिधि की, उसी का नाम होता है। आज ये फायसागर रोड तो अशोक गहलोत को पता नहीं कि अजमेर में कहाँ है, उसे तो मैंने अनुशंसा भेजी थी जिसकी ऑथेंटिक कॉपी मेरे पास है। आज भायती जी ने और अलावता जी ने गत दो दिनों के अंदर केवल उसकी वाहवाही लेने का हमारी सरकार बना रही है। अरे इनकी सरकार न तो अजमेर को पानी दे पा रही है, न यहाँ पे कानून व्यवस्था कर नहीं पा रही है, खुलेआम गोलियाँ तक चल लेती हैं, न कानून का राज है, न पानी की समस्या है कोई समाधान है और न कहीं किसी प्रकार की अन्य कोई व्यवस्था कर पा रहे हैं। तो ऐसे में वाहवाही लेनी है तो ज़रा उस पर अंकुश लगाओ ना, उस पर अंकुश नहीं लगाएंगे। जो काम और इस फायसागर रोड का शिलान्यास मैंने 11 जनवरी को खुद ने किया है, इस तरह की अजमेर की 24 सड़कों का शिलान्यास किया है, बोर्ड आज भी लग रहे हैं, जनता संघ उसके गवाह है, उसमें अड़ंगे लगाना, यानी ये चाहते नहीं कि अजमेर की कोई सड़कों का निर्माण हो। इस प्रकार के बूथ से यदि वो प्रभावित रहेंगे तो फिर कांग्रेस सर्वाइव नहीं कर पाएगी। जरा जनता के बीच में जाएं ये